हेलो दोस्तों, माँ कात्यायनी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं राजीव पांडे आपके लिए क्लास ट्वेल्थ हिंदी से पवन दूतिका का तीसरा वीडियो आपके सामने लाया हूँ। और हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आज हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। आइए विलम्ब न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आगे के ऊपर कहता है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क मतलब सूर्य होता है। दोस्तों कहता है कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। राधिका पवन से करे कि हे पवन, जैसे चलते चलते तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी, तुम्हारी उत्सुकता जो है हमारे प्रियतम से मिलने की या उस नगर को देखने की, वो उत्सुकता और बढ़ जाएगी। कहती है न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तुम मेरे प्यारे प्रियतम की उस सुंदर नगर की सुंदरता को देना और मुग्ध होना, आनंद विभोर होना। कहती है तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू वहाँ के पर्वत की जैसे ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके ऊपर लगे हुए सुंदर सुंदर कलश की जो सुंदरता है वह दूसरे सूर्य के समान सुशोभित हो रहे होंगे। कहती हैं कि जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, हे पवन, जैसे जैसे तुम मथुरा धाम पहुँचोगी तुम्हारी उत्सुकता बढ़ती जाएगी। न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना, तुम मेरे प्यारे प्रियतम की उस सुंदर नगर की शोभा को देख करके मुग्ध हो जाओगी, आनंदित हो जाओगी। कहती है तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और तू वहाँ के पर्वत के समान ऊँचे ऊँचे भवनों को देख कर आश्चर्यचकित हो जाओगी। जिनके सुंदर सुंदर भवनों के ऊपर जो कलश लगे होते हैं, गले लगे होते हैं, जिनके सुंदर सुंदर कलशों को देख करके तुम मन मुग्ध हो जाओगी। जिनकी सुंदरता सूर्य के समान, दूसरे एक सूर्य के समान दिखाई दे रही है। आगे कहती हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, हे पवन, देखना अगर पूजा का समय हुआ हो तो तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य बीच में जाना, नाना बाद मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। और देखना वहाँ विभिन्न प्रकार के अगर वाद्य यंत्र बज रहे हों तो उन वाद्य यंत्रों की स्वर की जो मधुरता है उसे और तुम धीरे धीरे क्या करना, बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, तुम अपने साथ सुंदर सुंदर वृक्षों के सुंदर सुंदर फलों के ध्वनि रूपी शब्दों का कलेवा लेके जाना, और उसके माध्यम से तुम धीरे धीरे उन वाद्य यंत्रों को मधुरता के साथ आनंद विभोर होके बजाना। कहते हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, हे पवन, देखना अगर पूजा का समय हुआ हो तो तुम मथुरा के मंदिरों में जाना, वहाँ विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र होंगे उनकी स्वर की जो मधुरता, स्वर की जो मुग्धता होगी उसे बढ़ा देना। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, तुम अपने साथ वृक्षों के सुंदर सुंदर फलों और पत्तियों के शब्दों का कलेवा लेके जाना, और उन शब्दों के उन ध्वनियों के माध्यम से तुम धीरे धीरे मुग्ध हो करके उन वाद्य यंत्रों को बजाना। फिर कहती हैं तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तगता हो, हे पवन, तुम मेरे प्यारे प्रियतम के बादल के समान सुंदर शरीर को देख करके अचंभित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके जो तुतकारी, उनके जो दोनों आँखें होंगी वह अत्यंत प्रकाशमय हो रही होंगी। कहती हैं कि मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके शरीर की जो बनावट होगी, जो सुंदरता होगी, उसे देख के ऐसा लगेगा मानो किसी सांचे में कोई मूर्ति ढाल दी गई हो। कहती हैं सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से,
और उनके जो सीधे साधे वचन होंगे वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि उनके वचन, उनके शब्द अमृत में क्या है, भीगे हुए हैं। कहते हैं, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदग्धा हो। तुम मेरे प्यारे प्रियतम के सुंदर बादल के समान शरीर को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। उनकी दोनों आँखें अत्यंत प्रकाशमय हो रही होंगी। उनके शरीर की बनावट किसी मूर्ति के समान अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रही होगी और उनके सीधे साधे वचन जो होंगे जब वो बोलेंगे तो लगेगा कि मानो अमृत से भिगोए गए हों। कहती हैं, नीले फूले कमल दल सी गात किया श्यामलता है। कहता है कि नीले कमल के खिले हुए कोमल पंखुड़ियों के समान उनके शरीर की कोमलता है। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला, और वो अपने कमर में पीले रंग का फबीला, फबीला एक पैजामा किस्म का होता है, धोती जो होता है ना उसी को सिला हुआ रूप होता है उसको फबीला बोलते हैं, तो उनके कमर में पीला फबीला सुशोभित हो रहा होगा। छूटी काली अलक मुख की कांति को बढ़ाती है और उनके चेहरे पर बाल की एक पतली रेखा लटक करके उनके चेहरे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा रही होगी। कहते हैं, सदत्रों में नवल तन की फूटती सी प्रवाह होगी और अस्त्र शस्त्रों के बीच, वस्त्रों के बीच से जो अधखुला अंग उनका दिखाई दे रहा होगा उसकी सुंदरता अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रही होगी, लग रहा होगा उसमें सुंदरता का प्रकाश फैल रहा होगा। कहती हैं, नीले फूले कमल दर्शी घात की श्यामलता है। नीले कोमल से खिले हुए कमल के पुष्प के समान मेरे प्यारे प्रियतम के शरीर की श्यामलता है। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं फबीला, और वो अपने कमर में पीले रंग का फबीला वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती और उनके चेहरे पर बाल की एक पतली रेखा लटक करके उनकी चेहरे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दे रही होगी। कहती हैं, सदत्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, अस्त्र शस्त्र और वस्त्र के बीच से जो उनका अधखुला अंग दिखाई दे रहा होगा वह अपनी सुंदरता का प्रकाश चारों तरफ बिखेर रहा होगा। आगे कहती हैं, साचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका जो वपू, वपू मतलब गर्दन होता है, उनकी गर्दन को तुम देखोगी तो वह अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही होगी, ऐसा लगेगा मानो उसे किसी सांचे में ढाला गया हो। सतपुष्पों से सुलभ उनकी प्राण संपोषिका होगी और सतपुष्प की तरह उनका कंठ सुशोभित हो रहा होगा। प्राण संपोषिका कंठ को कहते हैं, गर्दन में जो होता है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, और उनके दोनों कंधे बैल के कंधों की तरह बड़े ही सुडौल दिखाई दे रहे होंगे। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका होंगी, और उनकी लंबी लंबी बाहें नाग के समान लचीली दिखाई दे रही होंगी जिसमें शक्ति का अपरंपार भंडार होगा। कहती हैं, साचा ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्य काली। कहती हैं कि उनका गर्दन देखोगे तो लगेगा मानो किसी सांचे में ढाला गया हो, कितना शुभ सुंदर दिव्य दिखाई दे रहा होगा। सतपुष्पों से सुलभ उसकी प्राण संपोषिका होगी, और सतपुष्प के समान उनका कंठ सुशोभित हो रहा होगा। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे बैलों के कंधों के समान अत्यंत ही सुडौल और सुंदर दिखाई दे रहे होंगे। लंबी बाहें कलभ करसी, उनकी लंबी लंबी भुजाएं नाग के समान दिखाई दे रही होंगी जो जिनमें शक्ति का भंडार होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।